हेलो गाइज, आज मेरे पास है 3 ये खाली कांच के गिलास, एक बर्तन में मेरे पास पानी और ये है दोस्तों नमक, और इस थैली के अंदर है दोस्तों मेरे पास 2 अंडे। ये देखिए गाइज, 2 अंडे मेरे पास हैं। तो गाइज, आज हम दिखाने वाले हैं आपको इन चीज़ों से गजब का एक्सपेरिमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गिलासों में पानी डालेंगे। तो गाइज ये देखिए, 2 गिलासों को मैंने फुल कर लिया है पानी से और बीच वाले गिलास को मैंने हाफ ही रखा है दोस्तों। अभी इनमें से 2 गिलासों में डालूंगा नमक और 1 गिलास को नॉर्मल वाटर रहने दूंगा। ये देखिए गाइज, पहले गिलास के अंदर मैंने डाल दिया नमक, ये 2 चम्मच दोस्तों, और दूसरे में भी मैंने ये 2 चम्मच नमक डाल दिया फ्रेंड्स। अभी इस नमक को अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। तो गाइज यार, अपना नमक पानी के अंदर अच्छे से घुल चुका है। तो दोस्तों अभी मेरे पास गिलास 3 हैं जिसके अंदर पानी है, और अंडे मेरे पास दोस्तों 2 ही है फिलहाल, 2 ही अंडे थे, बट हमें यहाँ पे 3 अंडों की आवश्यकता पड़ने वाली थी। बट कोई बात नहीं, इन 2 से ही हम ये एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, 1 अंडे को इधर उधर ट्रांसफर करके दोस्तों। तो दोस्तों अभी ये है नमक वाला पानी, इसे मैं 1 अंडा डालता हूँ अंदर, और आप देखिएगा कि हमारा अंडा जो है पानी में डूब नहीं रहा, ऊपर ही तैर रहा है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा दोस्तों। और दूसरे अंडे को मैं डालूंगा नॉर्मल पानी के अंदर जिसमें नमक बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें डालेंगे तो आप देखोगे कि जो अपना अंडा था वो दोस्तों पानी के अंदर डूब चुका है। ये देखिए गाइस, अभी दोनों अंडे बिल्कुल सेम हैं, कहीं कोई ये ना समझे कि अलग अलग है। तो चलिए दोस्तों, इस चम्मच से मैं अंडे को निकाल कर एक्सचेंज करके आपको दिखा देता हूँ, किसी को ये ना समझे कि अंडे ही अलग अलग हैं दोस्तों। ये देखिए, मैंने इसे बाहर निकाला, अभी इसे भी निकाला, ये दोनों मेरे हाथ आप दोस्तों पकड़े हुए हैं। इसमें से मैंने निकाला इस अंडे को, नीचे वाले को, और इसको मैं इसमें ला के डाल रहा हूँ। ये देखिए, इसमें ऊपर तैरने लग गया, और ये अंडा जो इसमें तैर रहा था उसे इसके अंदर डाल रहा हूँ, तो ये पानी के अंदर डूब चुका है दोस्तों। आप देख सकते हो इसमें अंडा तैर रहा है, इसमें डूब रहा है, इनके नमक वाले पानी के अंदर अपने कोई भी चीज़ डालते हैं तो तैर नहीं पाती। तो दोस्तों अभी मेरे पास जो बीच में एक गिलास है, उस गिलास के अंदर डाला हुआ है नमक दोस्त। अभी 1 अंडे को निकालेंगे और इसमें से इसके अंदर इसे डालेंगे दोस्तों। ये देखिए, अब देखो एक इसमें भी ये अंडा अपना पानी के ऊपर तैर रहा है। तो गाइज अभी ये जो अंडा है वो पानी के ऊपर आप देख रहे हो कि तैर रहा है, आधा ही पानी है गिलास में। तो अभी मैं इसमें पानी और डालूंगा, फिर देखिएगा कि क्या चमत्कार होता है। चलिए दोस्तों, ये चीज़ आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखाते हैं, यार दूर से देखने में इतना मज़ा नहीं आएगा जो बिल्कुल पास में से देखने में आता है दोस्तों। तो गाइज यार, देख सकते हो कि ये 3 गिलास आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर अंडा डूबा हुआ है, इसमें से अंडा हमने निकाल लिया और इस गिलास में अंडा अभी तैर रहा है दोस्तों। तो चलिए इस गिलास में मैं और पानी डालता हूँ, ये नॉर्मल वाटर है, तो आप देखोगे कि अंडा अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे हमने बीच वाले गिलास में पानी और ऐड किया तो अपना जो अंडा था उसने जगह चेंज कर ली, ना तो बिल्कुल नीचे गया और ना ही ऊपर आया दोस्तों। जिस प्रकार से इस गिलास के अंदर जो अंडा डाला हुआ है वो नॉर्मल वाटर है, तो इसके अंदर पानी डाला तो अंडा नीचे डूब गया, और इसके अंदर साल्ट वाटर था, इसमें अंडा जब था तो पानी के बिल्कुल ऊपर तैर रहा था, और इस गिलास में नमक का पानी था उसके अंदर अंडा डाला तैर रहा था, जैसे इसके अंदर नॉर्मल वाटर डाला तो ये अंडा दोस्तों ना तो ऊपर तैर रहा है और ना ही इसके नीचे है दोस्तों, बिल्कुल बीचों बीच आपको अच्छे से दिख रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों यार, वास्तव में लग रहा है ना मज़ेदार, अंडा है ना तो नीचे डूब रहा ना ही ऊपर जा रहा, बीचों बीच पानी के तैर रहा है दोस्तों। तो देखा दोस्तों आपने यार, कितना मज़ेदार एक्सपेरिमेंट, कि एक गिलास में अंडा डूबा हुआ है और दूसरे गिलास में अंडा बिल्कुल बीचों बीच है, और इस गिलास में जैसे हम अंडा डालते थे तो ऊपर पानी में तैरता था दोस्तों। तो ये जो गिलास सबसे मज़ेदार है कि ना इसमें अंडा नीचे है और ना ही ऊपर है दोस्तों। दोस्तों आशा करूंगा कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आप सभी को पसंद जरूर आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं दोस्तों किस नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।